आप कह रहे अच्छे हो और ठीक है सर। अभी जो है 57 परीक्षा हो गई है और उसके बाद ट्रीटमेंट ऐप का पढ़ाई चालू है, इसके साथ साथ वीडियो भी डाला जा रहा है। तभी जो सेकंड सत्रांत को पढ़ना है उसमें केवल पांच ही पार्ट पढ़ना है बोर्ड में, 8, 9, 10, 11 और 12, बाकी उनको 7वां पार्ट नहीं पढ़ना है, जिसके लिए कुल मिलाकर 5 लेसन लेना है। आई बात समझ ना, ट्रीटमेंट ऐप जो चल रहा है वो बहुत जरूरी है, आप सभी का अटेंडेंस उसी में होता है। आप लोग डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पर और जब लिंक जाता है जिसको आप लोग शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए और जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी यहाँ से जो है हल होगा, तभी आप जो सकते हो ये काम आप लोग जरूर करिए। ट्रीटमेंट ऐप पर आप लोग सभी जुड़ो, मोबाइल सबके पास है लेकिन जुड़ते नहीं हो। हमारा जो अगला लेसन होगा वह अर्थशास्त्र का परिचय है, क्या है अर्थशास्त्र से कहते हैं, अर्थशास्त्र विशेषता क्या है, अर्थशास्त्र के क्यों जोड़ा गया है पाठ्यक्रम में, ये बहुत सारी बातें आप लोग आप पढ़ेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं शाम पढ़ कर कि अर्थशास्त्र का परिचय है बोले, लेकिन पाठ का नाम अर्थशास्त्र का परिचय है भाग एक। बराबर, अर्थ माने धन, शास्त्र ये धन का शास्त्र है, इसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ। पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र का जन्म पारिवारिक व्यवस्थापन से हुआ है। पारिवारिक व्यवस्थापन में आय तथा व्यय के बीच मेल स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अर्थशास्त्र संज्ञा एक ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से बनी है। तो प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का जन्म जो है पारिवारिक व्यवस्थापन से हुआ है और यह ग्रीक संज्ञा ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया माने होता है पारिवारिक प्रबंधन, कहता है पारिवारिक प्रबंधन। जैसे एक परिवार चलता है ना, एक परिवार में 5-6 लोग होते हैं या 8 लोग होते हैं, उनकी व्यवस्था कौन करता है, एक आदमी करता है, मुखिया होता है। उसी प्रकार आगे चल करके परिवार से गांव, गांव से जो है ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिला, जिले से राज्य, राज्य से देश का ऐसे ही कार्यक्रम चलता है। एक प्रधान होता है पूरे गांव देखता है, एक घर का मालिक होता है तो अपने परिवार की व्यवस्था करता है कैसे इसको चला जाए परिवार, हमारी आय हमारी आमदनी कितनी है और कैसे इसको आगे इसको बढ़ाएं, कितना खर्च करें और कितना बचाएं, जो पैसा मिलता है उसमें खर्च करना है। अर्थशास्त्र हमको सिखाता है कि पैसा कैसे हमको खर्च करना है, ऐसा नहीं पैसा पाओ और पैसा खुला दो, जो तुम्हारी आवश्यकता है उसके अनुसार हमको पैसे खर्च करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती है, ऐसी इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो देश हमारा है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको तय करने के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो है उनको वित्त मंत्री बनाया जाता है, बराबर वो वित्त मंत्री बनते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे ले जाना है अपना वो लोग तय करते हैं। तो अर्थशास्त्र का जन्म किससे हुआ है, पारिवारिक व्यवस्थापन से, किससे याद दिया स्पष्ट, पारिवारिक व्यवस्थापन से हुआ है। इसका मतलब होता है कि आय तथा व्यय के बीच, आय माने आमदनी, व्यय माने खर्च, जो आमदनी होती है और कितना खर्च होता है उसके बीच मेल स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। हमारी आमदनी 5,000 है, खर्चा हम 6,000 कर रहे हैं तो हम 1,000 रुपये घाटा पड़ेगा है नहीं है, एक आदमी 5,000 रुपये कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 6,000 रुपया, उसको 1,000 रुपया ऋण लेना पड़ता है ना, 1,000 रुपया वो कर्ज में जा रहा है, कर्ज में, इसके लिए अगर 5,000 रुपया है तो कैसे हमको करना है, कैसे व्यवस्थापन करना है ये देखना हमको है, अगर समझ रहे कि 5,000 रुपये में कैसे हमको आगे बढ़ना है ना, तो 5,000 रुपये हम रखेंगे तो हमारा पहले बार खर्च होना चाहिए और इमरजेंसी पैसा अपने पास होना भी चाहिए, जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसको पूरा करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे घर में पढ़ते हैं
उनकी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करता है कौन? मालिक। लेकिन जो अधिक आवश्यकता है उसी को हम लोग पहले जो है उसको करते हैं टारगेट। ये बहुत जरूरी इसको लेना है तब हमारा परिवार चल सकता है। ये अर्थशास्त्र बताता हूँ तो। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र संज्ञा एक ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से बनी है। ओइकोनोमिया माने होता है बच्चों पारिवारिक प्रबंधन। यह जो है एक ग्रीक संज्ञा से लिया गया है। ओइकोनोमिया माने पारिवारिक प्रबंधन। अर्थशास्त्र का स्वरूप क्या होता है? समय पैसा श्रम भूमि और संसाधनों का सही प्रयोग कैसे करना है इस संबंध में मार्गदर्शन अर्थ द्वारा प्राप्त होता है। समय पैसा श्रम मेहनत भूमि और जो संसाधनों का सही प्रयोग कैसे करना है इस संबंध में मार्गदर्शन किससे होता है? अर्थशास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक शास्त्र है। इसका उपयोग कृषि व्यवसाय वित्त आपूर्ति का दैनिक जीवन होता है। मानव की प्रगति में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी जो दैनिक क्रिया है जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र परिवार को कैसे चलाया जाए, एक गांव को चलाया जाए कैसे, एक ब्लॉक को चलाया जाए कैसे, एक जिले को चलाया जाए कैसे और एक राज्य को, एक राज्य के लिए क्या होता है मुख्यमंत्री होता है ना, तो राज्य को कैसे आगे ले जाना है वो व्यवस्थापन करता है। तो क्या होता है उसको अर्थशास्त्र से ही उसको जुड़ना पड़ता है। अर्थशास्त्र उसको सिखाता है हमें कैसे जो है अपने पैसों को खर्च करना है, कैसे व्यवस्थापन करना है। ये अर्थशास्त्र का स्वरूप रहता है बच्चों। अगला पॉइंट क्या किया है? अर्थशास्त्र की परिभाषा। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र क्या है जनक है, जनक माने पिता। वर्ष 1776 में प्रकाशित अपने ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन माने राष्ट्र की संपत्ति में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। क्या दिया है? अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? संपत्ति का शास्त्र है। और बताया है जो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा था। जन मैंने पिता वही पूजे अर्थशास्त्र को, उसने कहा अर्थशास्त्र एक संपत्ति का शास्त्र है। संपत्ति माने क्या होता है? धन। कैसे हमको व्यवस्था करना है यह अर्थशास्त्र से सीखना पड़ता है। देश की व्यवस्था हमारी कैसी है? मिश्र अर्थव्यवस्था है ना, उस मिश्र अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का सहयोग लिया जाता है। जितने वित्त मंत्री होते हैं लगभग सब अर्थशास्त्री होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देखिए प्रधानमंत्री थे, उसके पहले वो वित्त मंत्री थे। हमारे देश के बड़े अर्थशास्त्री थे वो, हमारे देश को बहुत सही मानी किए। उनके कार्यकाल में इतनी महंगाई नहीं हमारे देश में आई, इतनी महंगाई अब आ गई है। बराबर एक अर्थशास्त्री जो होता है वो तय करता है उनको क्या करना है, 5 साल में देश किधर ले जाना है, इतना उसका विकास करना है, ये अर्थशास्त्र के माध्यम से मालूम पड़ता है। उसी प्रकार जो परिवार होता है उसका व्यवस्थापन कैसे हो वह हमको अर्थशास्त्र में ज्ञान देता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पारिवारिक प्रबंधन से हुई। एक छोटा सा परिवार एक व्यक्ति चलाता है वही जाके उसका आगे बड़ा स्वरूप बन जाता है। प्रधानमंत्री जब बनता है जो देश चलाता है स्वरूप वही, लेकिन वो क्या जाता है बड़ा हो जाता है, उसका आकार क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ दिया गया है विभिन्न साधनों का उपयोग करके लोगों की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। विभिन्न साधनों का उपयोग करके लोगों की असीमित आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, है क्या नहीं है। आपकी एक आवश्यकता पूरी होगी देखने जा सकता पैदा हो जाएगी, आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हम लोग, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं दिन पर बढ़ती जाती है। एक आवश्यकता पूरी होगी डाक मन कहेगा चलो दूसरी आवश्यकता लेते हैं ना, दूसरी पूरी कहे चलो तीसरी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है आवश्यकता। आवश्यकताएं अनंत है असीमित है, इसे कोई पूरा कर नहीं सकता है। इसके लिए हमको उन आवश्यकताओं को पूरा करना है जो सबसे जरूरी है। बराबर
जो सबसे जरूरी है उस आवश्यकताओं को हमको पूरा करना है। आप विद्यालय जा रहे हैं, आपको क्या जरूरी है? सबसे पहले किताब, फिर कापी, लिखने के लिए कलम, कपड़े, चप्पल, ना? इतना आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपको घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये आवश्यकताएं क्या हो जाती है? बढ़ती जाएंगी। हमको जो आवश्यक हमारे जीवन में है वो काम पहले करता है। यह होता है कौन काम करेगा? पहले पहले परिवार देखता है किसको ज्यादा जरूरी काम है, वही काम करेगा वो, बाकी उसी आवश्यकताएं क्या करेगा वो छोड़ देता है। यहाँ दिया है विभिन्न साधनों का उपयोग करके लोगों की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है, इसका अध्ययन शास्त्र में किया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं दिया है। अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, क्या है? भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, राजकीय सार्वभौमिक और व्यवसाय। ये पांच जो है अर्थशास्त्र की विशेषता है। पहला क्या है? भौगोलिक क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, जनसंख्या कैसी है, प्राकृतिक संसाधन हमारे देश कैसे है, राजकीय सरकार का क्या उपयोग है और व्यवसाय कैसे है। दूसरा है आर्थिक उपक्रमों का विभाजन। तीन दिया है, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। तो अर्थशास्त्र की विशेषता जो है, सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र क्या है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति कैसी होती है, इस पर विचार करना चाहिए। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार देश का विकास होता है। अगर भौगोलिक परिस्थिति यानी मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, पानी के साधन हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरा है जनसंख्या पर निर्भर करता है, किस पर? जनसंख्या। जनसंख्या कितनी हमारे देश की है ना? हम लोग जनसंख्या 121 करोड़ है, कितना है? 121 करोड़ है, बराबर 121 करोड़ है जनसंख्या, कितना है? 121, बराबर। तो इस पर निर्भर करता है जनसंख्या कम है, देश का विकास अधिक होगा। जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत है, खाओ पियो अपना सब साधन छिप जाता है उसी में, हम लोग बाहर उसको नहीं भेज सकते ना, इसके लिए हमारे देश का विकास भी क्या है, धीमा आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन कैसे हमारे देश में संसाधन बहुत है, उसका हम लोग कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। राजकीय सरकार का क्या दायित्व है और व्यवसाय, व्यवसाय में जो यहाँ तीन दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? इसमें किसी किसी क्षेत्र को प्राथमिक व्यवसाय कहा गया, इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, बराबर लकड़ी काटना, ऐसे प्राथमिक व्यवसाय में आता है। ये हमारे देश ज़्यादा है प्राथमिक व्यवसाय, हमारे देश की जनसंख्या जो दिया है ज़्यादा किस पर निर्भर है? प्राथमिक व्यवसाय। तृतीय व्यवसाय क्या आएगा? जो उद्योग धंधे आएंगे, कल कारखाने आते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़ा उद्योग, बराबर। इसीलिए कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मान जो सबसे छोटा उद्योग होता है, जो घर में बनाते हैं बिना यंत्र की सहायता से हाथ द्वारा बनाते हैं, अचार बनाना, पापड़ बनाना है, लक्का बनाना, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। इससे जो है लोगों की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तीसरा दिया है फल सेक्टर, तृतीय व्यवसाय। इस व्यवसाय में क्या क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यात्रा, संचार, निर्माण कार्य, ये सब आता है तृतीय व्यवसाय में। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार है और निर्माण कार्य, चिकित्सा, ये सब आते हैं। जिस देश में इसका तेज विकास होता है उस देश का विकास हो जाता है। तीसरा सेक्टर जहाँ जहाँ विकसित हुआ है वह देश बहुत तेजी से काम आगे बढ़ा है। जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं ये सब किस में आते हैं? थर्ड सेक्टर। आज देखो मुंबई से मान लो बड़ी ऊंची सी टावर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है ना, गांव जाओ तो पक्के घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, आवागमन साधन अच्छे हैं। पहले इतने अच्छे साधन आवागमन के नहीं थे, आज अच्छे हो गए। तो ये किसमें आएंगे? तीसरे सेक्टर पे आगे बैठे आते हैं, इसमें थर्ड सेक्टर। तो आगे क्या दिया है? वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और देश अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पहले दो ही प्रकार थे, एक पूंजीवादी थी और क्या थी? एक समाजवादी। जो हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले दो ही अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी और समाजवादी। भारत ने दोनों अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया,
उसमें जो अच्छाई थी दोनों को निकाल करके भारत ने एक नई अर्थव्यवस्था लागू किया जिसका नाम क्या पड़ा, मिश्र अर्थव्यवस्था। हमारे देश कौन व्यवस्था है बच्चों, मिश्र अर्थव्यवस्था है। कौन है, मिश्र अर्थव्यवस्था हमारे देश में है। बराबर पूंजीवादी व्यवस्था कहा देश में क्या क्या है, जो देखिए क्या क्या होता है। समाजवादी व्यवस्था चाइना रूस में है, मिश्र अर्थव्यवस्था भारत यूके जैसे देशों में पाए जाते हैं। वैश्विकरण क्या है, वैश्विक देशों की वर्तमान आर्थिक नीतियाँ अर्थव्यवस्था को वैश्विकरण की ओर ले जा रही हैं, इस विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मिति को वैश्विकरण करते हैं। वैश्विक देशों की वर्तमान जो आर्थिक नीतियाँ हैं और व्यवस्था किधर ले जा रही हैं, वैश्विकरण कर ले जा रही हैं, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मिति को वैश्विकरण करते हैं। आज वैश्विकरण हो रहा है देश में, पूरे विश्व में, हमारा देश पीछे में है, क्योंकि हमारे देश की जो वस्तुएं हैं बाहर जाके जब विदेश के मार्केट बिकेंगी तब हमारे देश पूरी जो है क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हम लोग बाहर से वस्तु मंगाते हैं, हमारे देश जो वस्तु उसमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं है जाके बाहर बिके, लेकिन अभी सुधार हो रहा है, हमारे देश की वस्तुएं कहाँ जा रही हैं, विश्व के मंच व्यापार मंच पर जा रही हैं। वहाँ जब जाएंगी हमारी वस्तुएं बिकेंगी तो हमारा देश क्या जाएगा, मजबूत होगा। आपके जब बस में क्वालिटी होगी तो नहीं बिकेगी ना, क्वालिटी कैसे बिकेगी। अगला पॉइंट देखते हैं अर्थव्यवस्था के कार्य। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित कार्य हैं प्यारे बच्चे, पहला है कि यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, उत्पादन किसके लिए करना है इस संदर्भ में निर्णय लेना है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा है उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना है। चौथा है सामाजिक और आर्थिक न्याय के अनुसार राष्ट्रीय आय का वितरण करना। पांचवा क्या है, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय करना। पहला पॉइंट कहते हैं कि यह अर्थव्यवस्था निर्णय लेना पड़ता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करें, यानी किस वस्तु कितना उत्पादन करें, जितनी आवश्यकता उतना कम करना पड़ेगा। कभी कभी वस्तु में दाम बढ़ जाते हैं, कभी प्याज के दाम बढ़ेंगे, कभी टमाटर दाम बढ़ जाते हैं, कभी गेहूँ दाम बढ़ जाते हैं, कितना बढ़ते हैं। जब वस्तु मार्केट में कम होगी और लेने वाले ज़्यादा होंगे उसके दाम क्या जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। वस्तु अधिक है लेने वाले कम रहेंगे उसके दाम क्या रहते हैं, गिर जाते हैं। और वस्तु बराबर है लेने वाले बराबर रहेंगे तब क्या होगा, तो दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बराबर तो दाम भी बढ़ने वाला नहीं है। दूसरा क्या है, उत्पादन किसके लिए करना है ये संदर्भ में लेना है, किसके लिए उत्पादन करना है इसको अर्थव्यवस्था लेना पड़ता है, किसको आवश्यकता क्या है इसके अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। और उत्पादित लागत में देख देख कर जो उत्पादन लागत लगती है उसमें क्या करना है, बचत करना है। कोई जो है कोई वस्तु बेचता है पहले अपनी लागत को निकाल लेता है, जैसे 5 रुपये सामान लाए हम पहले 5 रुपये उसको निकालेंगे तब जाके उसके आगे बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। व्यापारी लोग ऐसे करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं पहले अपना लागत निकालते हैं तब जाके वस्तुओं को बेचते हैं लाभ। ये किसके में है, अर्थव्यवस्था का। सामाजिक और आर्थिक न्याय के अनुसार राष्ट्रीय आय का वितरण करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय के अनुसार जो राष्ट्रीय आय है हमारी आमदनी है पूरे देश की उसका बराबर वितरण करना। भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय करना। आने वाले समय में प्यारे बच्चे भविष्य में जो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी इसके उपाय करना है। आने वाले समय हमको देखना है, आने वाली जो पीढ़ी है वो सही ढंग से उसका प्रयोग करे, ऐसी हमको अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे नहीं कि हम लोग खा पी लें मजा कर लें, आने वाले लोग क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इससे किसका नुकसान है, आने वाले लोग नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, बराबर। इसको हमको जो है रोकना है, भविष्य में हमको अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है, बराबर। अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे देश की जो है मूल है। एक सरकार आती है 5 साल अपना वो तय करती है कि हमको कितना विकास करना है, कि 5 साल में हर एक साल में हमको इतना इतना विकास करना है तब जाके वो 5 साल पूरा होगा। आप लोग कच्चा यहाँ यूनिवर्स पढ़ते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाते हैं, 10वीं में 12 साल लग जाते हैं, 10वीं में उसके बाद जब पास हो जाते हैं यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो
कोई भी अर्थव्यवस्था को क्या लगता है उसको सुदृढ़ करने में समय लगता है। तो आज साल एक में आज का निकाल देने प्यार रखो, हर साल की परिभाषा लिखो, दूसरा है हर साल की पूर्व विशेषताएं लिखो, ये दो के कार्य हैं। आप सभी लोग वीडियो को बार बार देखो और टीच में ऐप जुड़ जाओ, सभी लोग वही तुम्हारा हाजिरी मैन रबर अटेंडेंस वही लिखता है, आप सभी लोग जुड़ो रबर। ये भाग एक जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे फिर मिलूंगा तुम्हें, अगला भाग बताऊंगा। जय।